काफल की एक कथा जो हमारे यहाँ प्रचलित है, जो मैंने बचपन में सुनी थी, वो इस प्रकार है। एक गांव में एक औरत और उसकी 6-7 साल की बेटी रहते थे। किसी प्रकार गरीबी में वो दोनों अपना गुजर बसर करते थे। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गई और घास के साथ काफल भी तोड़ के लाए। बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतजार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती। लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं चखा कि जब माँ आएगी तब खाएंगे। आखिरकार माँ आई। बच्ची दौड़ के माँ के पास गई। माँ माँ अब काफल खाएं, थोड़ा सांस तो लेने दे छोरी, माँ बोली। फिर माँ ने काफल की टोकरी निकाली, उसका कपड़ा उठाकर देखा। अरे ये क्या, काफल कम कैसे हुए, तूने खाए क्या? नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। जेठ की तपती दोपहरी में दिमाग गरम पहले ही हो रखा था। भूख और तड़के उठकर लगातार काम करने की थकान। माँ को बच्ची के झूठ बोलने से गुस्सा आ गया। माँ ने जोर से एक झापड़ बच्ची के सर पे दे मारा। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गई और मैंने नहीं चखे माँ कहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो उसे होश आया। वो बच्ची को गोद में ले प्रलाप करने लगी। ये क्या हो गया, दुखियारी का एकमात्र सहारा था, वो भी अपने ही हाथ से खत्म कर दिया, वो भी तुच्छ काफल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी, उसी बेटी के लिए ही तो। तो क्या हुआ था जो उसने थोड़े खा लिए थे। माँ ने उठाकर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफल कुम्हला कर थोड़े कम हो गए थे। रात भर बाहर ठंडी वो नम हवा में पड़े रहने से वे सुबह फिर से खिल गए और टोकरी पूरी हो गई। अब माँ की समझ में आया और रोती पीटती वो भी मर गई। कहते हैं कि वे दोनों मर के पक्षी बन गए। और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैं नीच आखो, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है, पुर पुतई पुर पुर पूरे हैं बेटी पूरे हैं।